Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you second year mathematics chapter 3. The name of the chapter is integration. Exercise is 3.3. Let's see how we gonna solve these integration problems. तो ये है जी हमारे पास exercise 3.3. exercise 3.3 में ये है question integration का और इसे हम integrate करते हैं. लेट्स सी. तो लेट्स सबसे पहले इसको मैंने लेट कर लिया है कि ये आई के बराबर है. जो कुछ भी फंक्शन दिया हुआ आई के बराबर है. अब ये है कि इस सारे फंक्शन को अंडर रूट में है तो ऊपर ले जाऊं तो अंडर रूट की इसकी पावर जो 1/2 थी वो -1/2 हो जाएगी और बाकी ये कुछ है पड़ा हुआ जी. अगर हम ऑब्ज़र्व करें क्लोजली तो पता चलता है कि ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है. यानी कि लेट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के तरीके से. लेट यू एक मेरे पास कोई वेरिएबल है जो कि 4 - x² के बराबर है. तो अगर इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव में 4 का तो वैसे ही 0 हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया. और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का dx. यानी कि du बेसिकली -2x dx के बराबर आ गया. तो ये सब्स्टिट्यूशन मैं कर लेता हूँ यहाँ पे अपने क्वेश्चन में. तो पूरे फंक्शन की जगह पे मैं u लिख लेता हूँ और इसकी पावर -1/2 है और आगे जो कुछ आ रहा है ये वाला फैक्टर ये सारा du के बराबर हो जाता है. ये du हो गया. अब फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है कि फंक्शन की पावर में +1 कर लेंगे और इसी से इसे डिवाइड कर लेंगे. प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं और ये भी बैक सब्स्टिट्यूशन भी हम करेंगे. पहले इसे सिंपलीफाई कर लें तो u की पावर 1/2 रह जाएगी और नीचे भी 1/2 है. प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें तो ये बन गया 2u की पावर 1/2 प्लस c. लें जी u की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 4 - x² और इसकी पावर 1/2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया. यानी ये इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की. अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ओके तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन. इसे भी उसी तरह से हम लेट कर लेते हैं कि आई के इक्वल है. अब इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी. नीचे जो है फर्स्ट टर्म है एक्स तो इसका स्क्वायर पड़ा हुआ है, एक्स का स्क्वायर पड़ा हुआ है. उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं और टू फार्मूले का लिखते हैं जी. पहली टर्म एक्स है तो एक्स यहाँ से लिया तो ये बन गया 2x. लेकिन मेरे पास है 4x तो 2x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 बनता है. ये 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 बनता है. इसका मतलब है ये सेकेंड टर्म जो है वो 2 हो गई. तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए फिर ही फार्मूला कंप्लीट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से. तो -2 का स्क्वायर भी कर लूँगा. जो चीज़ अपनी तरफ से करते हैं उतना ही माइनस भी कर देते हैं. तो जनाब ये बन जाएगा हमारे पास नीचे जो है वो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया -4 + 13. तो इसे अगर सिंपलीफाई कर लिया जाए तो ये बनता है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और
13 में से 4 माइनस कर लें तो बचता है 9, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास टेन इन्वर्स का फॉर्मूला बन रहा है। यानी टेन इन्वर्स किसके बराबर होता है, मतलब इंटेग्रल अगर हम लें 1/1 x² dx, तो ये टेन इन्वर्स एक्स के बराबर होता है। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर अगर हो तो एक्स ओवर ए आ जाता है और शुरू में 1/a आ जाता है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर फिर अप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/3 टेन इन्वर्स एक्स ओवर 3, मतलब एक्स की जगह पे एक्स +2 है, ओवर 3 है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर बराबर है, तो इसे हम यूं कर सकते हैं कि ऊपर +4 ऐड कर देते हैं और माइनस भी कर लेते हैं, और इसके बाद इसे हम सेपरेट कर लेते हैं टर्म्स को, यानी कि एक्स 4 x² / 4 x² dx -4/4 x² dx। तो ये सेम टर्म्स हैं, ये कट जाएंगी, यहाँ से dx रह जाएगा सिर्फ, यहाँ से 4 को बाहर निकाल लें तो 1/2 x² + x² लिखा जा सकता है इंटू dx। तो अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक्स और डी ये डी डिफरेंशियल साइन और इंटीग्रल साइन कैंसिल और एक्स वैसे ही हमारे पास आ गया, और ये फिर से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है टेन इन्वर्स का, 1/2 tan inverse x/2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें तो 2 tan inverse x/2 + c, तो ये हमारी आ गई जी इंटीग्रेशन कंप्लीट, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसे लेट कर लिया आई के इक्वल। अब इसमें थोड़ा सा इसको सेट करके लिख लें, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन के तरीके से अगर हम करना चाहें, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर टी यू ले लेते हैं, यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, तो डी यू हो जाएगा मेरे पास डी यू 1/x (dx). तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 1/u (du) लिख सकता हूँ मैं। अब फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो इसे मैं log u लिख सकता हूँ प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u किसके इक्वल सपोज किया था, u हमने सपोज किया था log ऑफ x के बराबर, तो यहाँ पर log ऑफ x लिख सकता हूँ मैं प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज द आंसर टू माई प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए जी। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन, इसे मैंने लेट आई के इक्वल कर लिया है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन चलाते हैं। लेट u इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो u का du हो गया, e की पावर x का e की पावर x आएगा और x का फिर dx हो जाएगा, और 3 का कांस्टेंट है तो वैसे ही 0 हो जाना है, यानी कि du जो है वो आ गया e की पावर x dx।
के बराबर, जो कि ऊपर पड़ा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। तो अब सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, तो आई जो है वो इक्वल आ गया 1 ओवर u इंटू du। तो इस पे भी वही फॉर्मूला लग सकता है कि log ऑफ u प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u किसके इक्वल सपोज किया था वही हम पुट कर देते हैं, e की पावर x प्लस 3 के इक्वल सपोज किया था, प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, एंड दिस हैपन्स टू बी माई आंसर। तो ये आ गया जी हमारा जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और इसे भी सब्स्टिट्यूशन के तरीके से ही करते हैं। तो मैंने इसको लेट कर लिया है i के इक्वल, लेट कर लेते हैं कि u हमारा बराबर है x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो इसका डेरिवेटिव अगर लें तो ये बनता है 2x प्लस 2b, इसका इकट्ठा मैं dx लिख लेता हूँ बाहर, और c का तो वैसे ही कांस्टेंट हो जाना है। अब मेरे पास ऊपर यहाँ पर x प्लस b तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉमन, 2 यहाँ से निकालते हैं कॉमन और दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा डी यू ओवर 2 इक्वल्स एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। लें जी अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज, यानी इस सारे की जगह पर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बाद पुट कर सकता हूँ u। मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट u और ऊपर आ जाएगा du ओवर 2, क्योंकि ये सारा du ओवर 2 के बराबर है। अब यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 ओवर 2 को बाहर निकाल लेते हैं और इसको u को ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगी। लें जी अब पावर फॉर्मूला लगाएं इसमें, तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई है। बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है लेकिन पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। u की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगी, ओवर में भी 1 ओवर 2 आ गया प्लस c, तो ये 1 ओवर 2 से 1 ओवर 2 कैंसिल। अब u जो सपोज किया हुआ था वो लिख लेते हैं जी, u किसके बराबर सपोज किया था, x स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस था c, और इसकी पावर आई है 1 ओवर 2 प्लस c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया जी हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लें जी ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे लेट कर लेते हैं कि ये i के इक्वल है सब कुछ। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है जो कि ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो सब्स्टिट्यूशन कर लें, लेट कर लेते हैं कि tan x जो है वो u के बराबर है। तो tan x का डेरिवेटिव लेते हैं secant स्क्वायर x, और x का dx हो जाएगा, तो ये du के बराबर हो गया। ये छोटी सी सब्स्टिट्यूशन इसमें कर लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के बाद इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं। लें जी इसे ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगी, और इस पे पावर रूल लगा लेते हैं। प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और बैक सब्स्टिट्यूशन अब इसमें करनी है यू की जगह पर जो सपोज किया है वो वापस पुट करना है। तो u की जगह पे किसकी जगह पे u सपोज किया था, u हमने सपोज किया था tan x की जगह पर, तो यहाँ पे फिर लगा लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 2 tan x, जो कि अंडर रूट में चला गया, प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
एंड दैट्स इट। अब बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर बाद में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर लेक्चर्स इन द फ्यूचर। टिल द नेक्स्ट लेक्चर इट्स गुड बाय।